नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से फिर आपसे मुखातिब हूँ। मैं ऐसे मौजों को लेकर, जैसे जैसे फेस्टिवल्स आते रहते हैं, जैसे दीपावली हमारे देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, और भी फेस्टिवल जाते हैं, ऐसे में हम मिठाइयाँ बहुत खरीदते हैं, क्लाइंट्स मिठाई बहुत खरीदते हैं, लोग मिठाई बहुत खरीदते हैं, और ऐसे में जब हम हलवाई और मिठाइयों की दुकानों की बात करते हैं तो कुकुर मुत्ते की तरह कुछ ऐसे एडल्ट्रेशन करने वाले कुछ लोग यहाँ आ जाते हैं, जो इस व्यवसाय में शामिल हो जाते हैं, जो सीधे सीधे आम आदमी को ये हानिकारक होते हैं। एक चिकना जहर हम बोलते हैं, पिछले दिनों हांसी शहर यानी इस चिकने जहर की मंडी भी रहा, और यहाँ काफ़ी नकली देसी घी बनता रहा, और जैसे फेस्टिवल्स आते हैं उन दिनों तो ये काफ़ी कुकुर मुद्दे की तरह उभर कर आते हैं, मिठाइयों में एडल्ट्रेशन होती है। तो आज सौभाग्यवंश हमारे बीच CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजय दहिया जी बैठे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट क्या इसमें मेजर्स ले रहा है, क्या इसमें एहतियात के तौर पर क्या एक्शन ले रहा है, उन्हीं से जानते हैं। जब फेस्टिवल्स का मौसम आता है, फेस्टिवल्स आते हैं उन दिनों, यानी कि हलवाइयों की दुकान यानी कि मिठाई में विक्रेता कुछ ऐसे उभर कर आते हैं जिनके बारे में मैं कुछ भी कहूँ तो मुझे बड़ा ऐसा लगेगा कि भी जो सीधे सीधे हेल्थ को यानी कि इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे में हेल्थ विभाग की भी एक ड्यूटी बनती है, हेल्थ डिपार्टमेंट की एक ड्यूटी बनती है कि उनको कैसे रोका जाए, कैसे चेक किया जाए और कैसे उन पर अंकुश लगाया जाए। तो हमारे बीच एक बहुत ही कॉम्पिटेंट अधिकारी, चीफ मेडिकल ऑफिसर हिसार CMO साहब डॉक्टर संजय दहिया, जो आपको बता दूं कि डॉक्टर संजय दहिया हांसी में SMO भी रह चुके हैं और अब कई वर्षों से CMO के पद को एड ऑन कर रहे हैं, और खासकर हिसार में अब यहाँ चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। कई मरतबा हमने इनसे बात भी की कई विषयों पर। आज टोटली यानी कि मिलावटी मिठाई, नकली घी, इस विषय पर इसको कैसे रोका जाए, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मीडिया पर आपका, हांसी की आवाज़ पर आपका स्वागत है, वेलकम है। नमस्कार, यहाँ हम आपसे मुखातिब हैं, दूसरी मरतबा आपसे बात कर रहे हैं। तो सर, ये इन दिनों जब फेस्टिवल जाते हैं तो बहुत सी ऐसे कुछ पिलफ्रेज करने वाले, कुछ ऐसे जो ऐसे हलवाई आ जाते हैं, मिष्ठान बनाते हैं, जो एडल्ट्रेशन करते हैं, उस पर कैसे रोक लगे, कैसे आप मेजर्स कैसे लेते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की क्या ड्यूटी है? जैसे जी, इसमें ना FDA डिपार्टमेंट होता है हमारा, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जी, वहाँ के कमिश्नर साहब के स्पेशल ऑर्डर्स आए थे जी, स्पेशली फेस्टिवल सीजन के दौरान आते हैं, क्योंकि इस समय आप एकदम सही कह रहे थे कि मिलावटी दौर शुरू हो जाता है। बिल्कुल, तो उन ऑर्डर्स की पालना करते हुए हमारे नोटिफाइड FSO कम SMOs हैं जो हमारे सब डिवीजन हॉस्पिटल्स में लगे हैं, तो उन सब के लिए डेजिग्नेट ऑफिसर आजकल अलग हो गए हैं FDA डिपार्टमेंट के, उनसे स्लिप्स ली हैं। और हम ये चाहते हैं कि स्पेशली लोगों को जो भी चीज़ खाने को मिले, वो सब स्टैंडर्ड ना हो, अनसेफ ना हो, किसी भी तरह ना हो, मिलावट ना हो किसी भी तरीके की, क्योंकि ये जहर टाइप होता है, और छोटी छोटी क्वांटिटी में जब बार बार आप लेते रहते हैं तो शरीर पे कई साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए आज मैं अपनी टीम को लेकर यहाँ आया था जी, और मैंने अपनी टीम को प्लस यहाँ के जो SMO डेजिग्नेट FSO हैं नोटिफाइड और कम SMO हैं, उनको साथ टीम के भेजा है कि अब दिवाली का फेस्टिवल भी आ रहा है, कुछ आप इस तरीके की चीज़ें, दूध, खोया, पनीर, इनके दो चार जगह से जहाँ पे भी आपको फीलिंग हो ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहे हैं, और जहाँ से हम शक कर सकते हैं कि यहाँ से कोई इस तरीके का फूड आइटम अवेलेबल ना हो, जहाँ पे मिलावट हो, तो उसकी असेंबली। डॉक्टर साहब, कैसा आपने सैंपलिंग मिली होगी, क्या सिंथेटिक बनाते हैं, कोई यूरिया वगैरह डाल के, इंग्रेडिएंट्स इनके क्या होते हैं, कुछ जब पकड़े गए हैं तो सैंपलिंग आपको जो मिलेगा ना, सब स्टैंडर्ड मिलेगा। नहीं, तो सब स्टैंडर्ड होता है, तो इन्वेंट्री करके रख दे, बहुत पुराना जो फर्मेंटेटेड हो जाता है, एक चीज होता है इसमें अनसेफ वो होता है, जो आप खाएंगे तो उसको खाने से शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसे हम अनसेफ कहते हैं। उसमें तो क्या होता है, जिसके यहाँ से हम सैंपल भेजते हैं, यहाँ से लैब में चेक हो जाते हैं, अनसेफ आ जाता है तो कोर्ट में केस फाइल करते हैं उसके खिलाफ। उसके अलावा सब स्टैंडर्ड होते हैं, मिसब्रांडेड होते हैं। मिसब्रांडेड मतलब कि ब्रांड किसी और का है और नाम किसी और का लिख दिया,
लेकिन वो खाने में अनसेफ नहीं होते। अच्छा, सब स्टैंडर्ड होते हैं। मान लीजिए उसमें अगर फैट की परसेंटेज 30% होनी चाहिए, वो निकल जाती है 10%, उसे क्रीम निकाल के पहले बेच चुके होते हैं, या दूध में पानी मिला दिया, जैसे अनसेफ तो नहीं है लेकिन सब स्टैंडर्ड है। तो तकरीबन आपको चीजें जो मिलती हैं, मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द चीजें सब स्टैंडर्ड मिलती हैं, उनका केस फाइल करते हैं, एडीसी साहब की कोर्ट में फाइल करते हैं, उनको उनको फाइन करते हैं, काफी हैवी फाइन होता है। सर फाइन तो होता है, अक्सर ये देखा गया, ये एक माल प्रैक्टिस है कि भी जब हम सैंपलिंग भेजते हैं वहाँ मधुबन में या किसी फॉरेंसिक लैब में या जो भी आपकी लैब होती है, वहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली यानी काफ़ी दिन के बाद ये सैंपल का रिजल्ट आता है, और कहते हैं कि भी रिजल्ट भी पता नहीं कैसे वो पॉजिटिव ले आते हैं, ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अगर मिलावट कर रखे तो रिजल्ट आता है, और हाँ कुछ वक्त तो लग जाता है क्योंकि यहाँ से आप ट्रांसपोर्ट करके लैब में भेजते हैं, वहाँ से रिपोर्ट आती है, लेकिन अगर किसी ने मिलावट करी है तो उसको सज़ा तो मिलती है, सज़ा ही उसका डेटरेंट इफेक्ट है। उसके अलावा ही हमारे पास मोबाइल वैन्स भी आती हैं, और हम उन मोबाइल वैन्स को भी डेजिग्नेट एरिया में खड़ा करते हैं। आप एक दिन यहाँ खड़े हुई, एक दिन बदलावाला खड़े हुई, एक दिन हाँसी खड़े हो जाइए, एक दिन नारगोन खड़े हो जाइए, एक दिन हिसार जिले के उकलाना मंडी में चले जाइए, ताकि वहाँ पर जो भी आदमी चाहता है बहुत ही नॉमिनल रेट्स में वो अपना टेस्ट करवा। कुछ अनहाइजेनिक के ऊपर भी एक्शन होता है क्या? वो अनहाइजीनिक के ऊपर जरूर होता है, जैसे आप मान लीजिए जैसे टीम गैया उनको खुले में दिखता है कि मक्खियाँ बैठी हुई हैं, तो खाने के लिए वही सब स्टैंडर्ड और अनसेफ हो गया वो, तो उस चीज़ को किस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी टीमें डिप्लॉय की हुई हैं? अब शुरू कर रहे हैं, हमारे जितने भी SMO हैं पेरीफेरी के, उन लोगों को सारे वो नोटिफाइड FSO जाएंगे। जी जी, जैसे बरवाला हो गया, हिसार में हमारे DHO हो गए, यहाँ पे SMO हो गए, नारदून में हो गए, 7-8 हैं, और मैंने DO को कहा है इन सबको स्लिप्स दी जाए ताकि अपने अपने फील्ड में जाए। ये एक्सपेडिशन कब से शुरू करेंगे? ये 2-3 दिन से शुरू करिए एक्चुअली, कुछ समय से क्या था डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा बिजी थे इसके अंदर बिकॉज ऑफ इलेक्शन और काउंटिंग के कारण से, और काउंटिंग हाँ जी, क्योंकि हम लोगों को हर जगह मेडिसिन का स्टॉक, डॉक्टर्स की प्रेजेंस और बैकअप टीम्स तैयार रखनी पड़ती थी इन दौरान, तो आज के बाद हम लोग इसको थोड़ा और स्पीड अप करेंगे। पब्लिक डोमेन में एक सीधा मैसेज जाए आपका, तो आप बताइए नहीं, हम यही चाहेंगे, देखिए किसी प्रकार का मिलावट ना करिए खाने में, ये आपके लिए भी ख़राब है, सेहत के लिए, आपके बच्चों के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, और लोगों के लिए तो है ही, क्योंकि हम भी उस सोसाइटी का एक पार्ट है जो उसको खा रहे हैं, हर एक के लिए नुकसानदायी है। अच्छा स्वच्छ क्लीन जो भी चीज़ आप दें, चाहे घी हो, चाहे दूध हो, चाहे पनीर हो, चाहे मक्खन हो, चाहे चॉकलेट हो, हर चीज़ अच्छी गुणवत्ता की दीजिए लोगों को। और दुकानदारों को रिटर्न करें क्या? हाँ जरूर, आज हम जैसे 3-4 जगह टाइम कम है, वहाँ जाके भी सैंपलिंग लेंगे और उनको भेजेंगे लैब में, अगर उसमें कोई कमी आई तो जो भी नियम कानून अनुसार प्रावधान सजा है उनको, वो जरूर दिलवाएंगे। सोना सफेद डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल पे आए और आपने एक एक चीज़ पर्सनलीफाई करके बताया है कि किस तरह से उनके ऊपर सैंपलिंग होगी, आपने पैराफ्री कैसे मोज को सबको हिदायत दी है कि भी जाइएगा और ऐसे यानी कि एडल्ट्रेटेड सामान को पकड़िए जो हम हाइजेनिक है, सब स्टैंडर्ड है, तो आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। खासकर दिवाली के फेस्टिवल आप हमारे यहाँ आए, तो आपको दीपावली की भी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं और आने वाले सभी त्योहारों के धनतेरस की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, और आपका सामान्य हॉस्पिटल जो है आपकी पैराफ्री में भी स्मूथ चलते रहें, ये हम आपसे कामना करते हैं। आप भी एक पब्लिक में, थैंक यू वेरी मच, मैं भी यही चाहूँगा, दीपावली का अवसर है, सब लोगों से यही विनती करूँगा, एक तो कोशिश करें कि खुला हुआ और दूसरा हम लोग हैं इन चीज़ को चेक करने के लिए, कहीं ऐसा कुछ है तो हमें कंप्लेन करें, हम चेक करेंगे उसका, सैंपल भेजेंगे, अगर गलत आता है तो जो भी सज़ा का प्रावधान है जरूर करवाएंगे। दूसरा पोल्यूशन के बारे में जरूर आपको जानना चाहूँगा, पोल्यूशन फ्री दिवाली, हाँ पोल्यूशन फ्री दिवाली करिए, देखिए हम लोगों की खुशी के लिए होता है, आप समझ सकते हैं, स्पेशली जो पोल्यूशन होता है वो छोटे बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, और जो बुजुर्ग हम करिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, और आगे जाके आप लोगों के लिए भी बहुत हानिकारक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली, अ वेरी हैप्पी प्रॉस्पर्स
We are also giving you the compliment for coming on our YouTube channel, Hansi Ki Awaaz. It's a proud privilege for us, Kiwi, like you, eminent personality, is elaborating his views and like contaminated in mithai, sweets, and smoke-free Diwali and pollution-free Diwali. सुना है सफी डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब ने बहुत चीजें बताई हैं, सब चीजें, तो आप भी इस पे गौर कीजिएगा. और दुकानदारों को भी इन्होंने डटन किया है, हिदायत दी है कि आप बच के रहिएगा, वरना सीधे सीधे सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं. और आप भी, यानी कि पब्लिक डोमेन में भी आम आदमी को भी इन्होंने कहा है कि आप अनहाइजेनिक कुछ भी मत लें, आपकी सेहतमंद रहे. हम भी यही कहते हैं कि आप सेहतमंद रहे. दीपावली पर्व खुशियों का त्यौहार है, आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और मजे से दिवाली मनाएं. नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम के साथ. मैं राजीव बंसल, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीपावली पर खुशियों का भरा हुआ त्यौहार है, दीपों से सजाइए.